से पहले लाइनिंग। तो ये मैं बुकरम यूज कर रही हूँ, प्लास्टिक वाला जो राइस बैग होता है वो भी यूज कर सकते हैं, रबड़ शीट भी यूज कर सकते हैं। बुकरम यूज कर रही हूँ जो सूट के पोंचों वगैरह में भी और कॉलर वगैरह में भी यूज होता है, ये वो वाला बुकरम है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं कितने हैं। वैसे आपने जितना बड़ा बैग बनाना उतना लेना है। ये मैंने लिया है 14 इंच विड्थ और लंबाई मैंने ली है बैग की 11 इंच। अभी साइड पे रखें, पहले हम एक पीस में डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाया, 2.5 इंच सीधा स्ट्रेट निशान लगा दिया इस तरीके से। और नीचे की तरफ से मैं लूँगी सेम 2.5 इंच और 2.5 इंच और इसे भी निशान लगा लीजिए। देखिए हमें इस तरीके से स्ट्रिप्स चाहिए। ये कुछ मैंने जीन्स में से कटिंग करी हैं स्ट्रिप्स और कुछ ये कपड़े में से लिए हैं। तो आप कोई भी आपके पास कपड़ा हो सूट का बचा हुआ और जीन्स हो कोई भी पुरानी, उसमें से आप कट कर सकते हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, ये 2 इंच है अप्रॉक्सीमेट, 2 से थोड़ी सी कम है स्ट्रिप। और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच, यहाँ पे हमारी पूरी आनी चाहिए, यहाँ ऊपर और नीचे मार्जिन जाते हुए। अब हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। पहले एक स्ट्रिप लीजिए, इसे ऐसे रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। उसके बाद जो भी आप दूसरा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर रखिए ओवरलैप करते हुए इस तरीके से, यहाँ से 1/2 इंच की पट्टी छोड़ते हुए ऐसे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। उसके बाद एक दूसरा डेनिम वाला पीस लीजिए, इस वाले पोर्शन को ओवरलैप करना चाहिए आपका इस तरीके से, ये पोर्शन बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से ओवरलैप करते हुए स्ट्रिप रखी, अब इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। तो इस तरीके से ये पट्टियों वाला मेरा डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरीके से इसको जोड़ने के बाद फिर मैं एक प्रिंट की लूँगी इस तरीके से, फिर एक जीन्स की, इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जैसे पट्टियाँ मैंने ये लगाई हैं, इसे लगाते हुए यहाँ तक पूरा, ये जो हमने निशान लगाया इसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली। देखिए ये मैंने स्ट्रिप्स लगा दी सारी और इस तरीके से एक सिलाई यहाँ बीच में भी लगा दी है। तो ये मेरा इस तरीके से रेडी हो गया। अब क्या करना है, इस तरीके से मैंने जीन्स में से एक पट्टी कटिंग की है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, इसकी विड्थ तो इसके बराबर रखनी है आपको क्योंकि हमारी पट्टी यहाँ ऊपर की तरफ लगेगी। और इसकी लेंथ ये ऐसे है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच की हमें पट्टी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कीजिए नीचे की तरफ से, यहाँ ऊपर बुकरम के साथ इसे मिला लीजिए, ऊपर वाला पोर्शन नीचे से थोड़ा फोल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, जो बुकरम का दूसरे वाला पीस है जो मैंने साइड में रखा था उसे लीजिए, इसे इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लिया, मेरी बुकरम अटैच होगी तो एक 1 पीस बन गया। अब इस तरीके से मैंने ये जीन्स में से कटिंग किया है, इसकी विड्थ इसके बराबर है और इसकी लेंथ है 8.5 इंच। तो इस तरीके से एक पीस लिया, इसे बुकरम के इस तरफ रखिए, फ्रंट में हम डिज़ाइन बनाएंगे, बैक में हम प्लेन रखेंगे। तो इस तरीके से रखा, इसके ऊपर अगर आप कोई पॉकेट लगाना चाहते हैं तो इस टाइम इसके ऊपर पॉकेट भी लगा सकते हैं। अब इसे यहाँ से लेके सिलाई लगा के, यहाँ भी सिलाई लगा ली, यहाँ भी लगा ली, तो ये दोनों अटैच हो गए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने जीन्स का एक और पीस लिया है, इसकी विड्थ भी इसके बराबर है और इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको कितनी है, ये हम यहाँ बीच में सेंटर में डिज़ाइन लगाएंगे, ये है अप्रॉक्सीमेट 7 इंच। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर, इसे सेंटर में रखते हुए इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कीजिए, एक फोल्ड यहाँ से कीजिए इस तरीके से, तो ये हमारा बेस के लिए बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए एक मैंने बनाई हुई है, बता देती हूँ कैसे बनाई है। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा कम था तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं। इसकी विड्थ मैंने ली है 2.5 इंच और लेंथ वैसी जितनी आप रखना चाहें, वैसे मैंने लिया है 20 इंच। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोल्ड यहाँ से, छोटा सा फोल्ड यहाँ से और इसे ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। देखिए जैसे मैंने इस पर सिलाई लगाई है तो ये मेरी दोनों स्ट्रैप रेडी हो, ये देखिए मैंने स्ट्रैप रेडी कर ली। अब ये बैग लीजिए, एक स्ट्रैप यहाँ पे लगा लीजिए इस तरीके से, रखिए यहाँ सिलाई लगा लीजिए और एक स्ट्रैप यहाँ पे रख के दूसरी तरफ यहाँ पे सिलाई लगाई, तो एक स्ट्रैप ज्वाइन कर ली एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब आपको क्या करना है, सेम साइज़ की मैंने एक पीस लाइनिंग कट की है। जो सूट के साथ लाइनिंग यूज़ होती है वो पतले वाली लाइनिंग है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
सेम साइज एंगल की लाइनिंग कट किया। अब आपको क्या करना है, लाइनिंग को ऐसे रखिए इसके ऊपर सीधी तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कॉर्नर पे ऊपर की तरफ जहाँ स्ट्रैप है, और इस कॉर्नर में ऊपर की तरफ जहाँ स्ट्रैप है, सिर्फ यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और ऊपर वाली इस तरफ भी। अब इसे यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। तो ये ऊपर से मेरा फिनिश हो गया, यहाँ पे इस तरीके से मेरा ऊपर से प्रॉपरली फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बैठने वाली सिलाई इस तरफ लगा लीजिए ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी फिनिश हो गया है। इसे अच्छे से प्रॉपरली अंदर को करके एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा लीजिए। तो ये मेरा ऊपर से दोनों तरफ से फिनिश हो गया, और यहाँ साइडों में भी सिलाई लगा लीजिए ताकि ये लाइनिंग और ये कपड़ा आपस में अटैच हो जाए। तो यहाँ से लेके चारों तरफ इस पर सिलाई लगा के इस पीस को रेडी लगा ली, और सिलाई लगा के पीस मेरा रेडी हो गया। यहाँ से फिनिश है, यहाँ से फिनिश है, साइडों से अभी ये फिनिश नहीं है, बाद में हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, अंदर की तरफ लाइनिंग और इस तरफ हमारा ये डिज़ाइन के साथ रेडी हो गया। अब हम इसके लिए साइड बनाते हैं, तो दो मिनट इसे साइड में रखिए। साइड बनाने के लिए देखिए, दो पीस मैंने बुकरम के लिए हैं, दो पीस मैंने प्रिंट के लिए हैं, और दो पीस मैंने लाइनिंग के लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं, और इसे शेप देंगे। क्यों क्या है, इसकी विड्थ है 5 इंच और इसकी लेंथ है 6.5 इंच। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पीस पे देती हूँ मैं शेप, कैसे देनी है वैसे ही शेप आप सारे पीसेस पे दीजिएगा। इस तरीके से फोल्ड किया, नीचे से इसे राउंड शेप देनी है, सिंपली से हल्के से ऐसे तरीके से राउंड शेप दे दीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने इसे राउंड शेप दे दी। यहाँ ऊपर से साइड से 1 इंच से थोड़ा सा कम, इतना 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1/2 इंच से 2 लाइंस एक्स्ट्रा लेके, ये 1/2 इंच है उससे 2 लाइन एक्स्ट्रा लेके 3/4 इंच यहाँ से लिया, और यहाँ से इसे तिरछा इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगा के इसे तिरछी शेप दे दीजिए इस तरीके से। यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 3/4 इंच, और इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरीके से। तो साइड के लिए इस तरीके से हमारी देखिए शेप आ गई। ये शेप सेम 1 और ये जो सारे पीसेज हैं लाइनिंग वाले और प्रिंट वाले, इस पे भी दे दीजिए। जो मैंने बुकरम पे शेप दी थी सेम मैंने शेप प्रिंट पे और लाइनिंग पे भी करी। अब आपको क्या करना है, नीचे बुकरम का, बीच में प्रिंट का, उसके ऊपर लाइनिंग, ऊपर वाली साइड सिर्फ सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लिया। अब इसे लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए इस तरीके से, ऊपर से फिनिश हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से पूरा राउंड में इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा के रेडी कर लिए। तो जैसे ये एक रेडी किया ऐसे ही एक और रेडी कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से तिरछा फैब्रिक लेना है, ये तिरछा कटिंग है मेरे पास बायस वाला, इसमें से हम पाइपिंग कटिंग करेंगे। इसे पाइपिंग कटिंग कर लूँगी 2.5 इंच विड्थ की लंबाई में सीधा कट कर लीजिए। इस तरीके से साइड के लिए पाइपिंग स्ट्रिप्स कटिंग कर ली। अब मैं इसे आपस में ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना लूँगी, यहाँ से सिलाई लगा के इस तरीके से पाइपिंग की एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी। और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, लंबी एक ही निकाल सकते हैं तो एक भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं पाइपिंग में। तो इस तरीके से एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के ऊपर रखा, सिलाई लगा के लंबी पाइपिंग, तो मेरी पाइपिंग बन गई थी। अब क्या करना है, इसे ऐसे बीच में से फोल्ड कीजिए, ऐसे मैंने फोल्ड किया इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसे सीधी तरफ यहाँ पे रखिए, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक पाइपिंग इस तरफ लगा लीजिए इस तरीके से फोल्ड करके, और इस तरीके से फोल्ड करके एक पाइपिंग इस तरफ लगा लीजिए, दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के इस तरफ लगा ली। अब ये जो हमने साइड बनाई थी इसे हम ज्वाइन करेंगे। वो कैसे ज्वाइन करना है, इसका सेंटर पॉइंट लीजिए, जो आपका बैग है इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने निशान लगाया, सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट लिया, इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया, इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कीजिए। अंदर की तरफ से रखना है आपको जहाँ लाइनिंग है, इस तरीके से इस पे हम सिलाई लगाएंगे।
तो जैसे जैसे मैं पिन अप कर रही हूँ वैसे ही सिलाई लगानी है। सेंटर को सेंटर पॉइंट से पिन किया, अब इसे गोल घुमाते हुए पूरा वहाँ ऊपर तक पिन कर लीजिए। इस तरीके से ये मैंने पिन कर लिया इस तरफ से। तो यहीं से सिलाई लगाते हुए शुरू करना है, फिर इसे गोल घुमाते हुए इस तरफ को, चाहे तो आप पहले हाथ से कच्चा कर सकते हैं उसके बाद भी इस पे सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, ये मैंने साइड में ज्वाइन कर ली। यहाँ से इसे मशीन पे रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, जैसे मैंने पिनअप किया था एक तरफ से लेके दूसरी तरफ सिलाई लगा ली। अब ये जो आपने पाइपिंग लगाई थी इसे इस तरफ को फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अभी मैंने पाइपिंग इस तरफ को मोड़ ली, अब इसे यहाँ से ऊपर से एक बार फोल्ड ऐसे कीजिए ताकि ये ऊपर से भी प्रॉपरली फिनिश हो जाए, इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा छोड़ा था। और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए बाहर को पाइपिंग बनाते हुए इस पे पूरे पे यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक तरफ से सिलाई शुरू करेंगे इस तरीके से, और पाइपिंग ही हमारी फोल्ड ही है, फिनिश ही है, बस जस्ट इसे इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करते रहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा के पाइपिंग को स्टिच कर लिया, तो इस तरीके से मेरी प्रॉपरली फिनिश हो गई। जैसे हमने ये पूरी साइड फिनिश की है ऐसे ही सेम वे से इसे भी फिनिश कर ली। ये मैंने दोनों साइड जोड़ ली, ये साइड भी फिनिश हो गई और ये भी हो गई, जैसे एक करी थी वैसे ही दूसरी करी थी। तो इस तरीके से मेरा बैग बिल्कुल बन गया। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ जिप लगाएंगे, तो चलिए हम पहले जिप रेडी कर लेते हैं। ये मैं इस पर यहाँ पे ऊपर लगाऊंगी, यहाँ पे लगाने के लिए। ये बड़ी है तो जो भी एक्स्ट्रा होगी हम बाद में कट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, जितनी भी आप कट करना चाहते हैं। तो पहले हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने जिप को ओपन किया इस तरीके से, यहाँ से जितना भी आप छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा हम इसे फिनिशिंग में भी करेंगे। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच छोड़ के इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से आपको जिप को रखना है। इसे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रैप ऐसे, जैसे पहले इसमें एक बैठने वाली सिलाई लगी हुई है इसी के ऊपर एक और सिलाई लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली। तो जिप मेरी हो गई, दूसरी तरफ से भी इसे सेम ऐसे ही ज्वाइन करना है। ये सीधा बक्कल है, ये अंदर को ऐसे फोल्ड होके लगेगी, ये देखिए इस तरीके से। तो इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक पीस हमने जिप का उस तरफ ज्वाइन कर लिया, एक पीस हमने इस तरफ ज्वाइन कर लिया कि मैंने इस तरफ भी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से जिप मेरी इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, जितनी हमें जिप चाहिए उतनी हम रखेंगे और एक्स्ट्रा हम इसमें से अलग कर देंगे। तो जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रखें, एक्स्ट्रा कटिंग कर, ये मैंने कटिंग कर दी और यहाँ पे इस कलर की पट्टी लगा दी। बड़ा लिया, इसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर एक और फोल्ड इस तरीके से, छोटा सा बना लिया है मैंने स्क्वायर सा। फोर्ड जिप है, इसे इसके बीच में डालिए इस तरीके से और इस पे चारों तरफ सिलाई लगा दी। मैंने पट्टी अटैच कर ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जिप के साथ ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। ये इसका प्रॉपर बेस साइड से दोनों साइड्स, तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।